अपनी सीटों पर खड़े हो जाए भरपूर तालियों में। मैं अकेला ही चला था जानिब मंदिर मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंदिर मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। आप लोगों की भरपूर तालियों में मुत्तहिदा कौमों में पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर तहरीकी साथियों, वाजिबिंग मांगल एहतराम बुजुर्गों, इज्जत बाप माओ बहनों, यहाँ मौजूद अहलियाने सक्खर रोहड़ी, स्टेज पर मौजूद सिंध तंजीमी कमेटी के जिम्मेदारान, सक्खर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान और खास तौर से हमारे दोस्त मेहमान मीर महर साहब और मुबीन जदोई साहब, अस्सलामु अलैकुम। कल नवाबशाह में एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया था और वो कॉर्नर मीटिंग एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर रही है और उस जलसे को देख के वहां के मुखालफीन की तो नींदें हराम हो गई। आज सक्खर आया मैं तो मैं भी ये सोच रहा था कि मुखालफीन ये समझ रहे हैं कि सक्खर के लोग तकसीम हो गए हैं, इंतशार का शिकार हो गए हैं, तो ना जाने यहां पर कैसी मीटिंग होगी, कितने लोग होंगे, मैं ये सोच रहा था। लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखा तो ये यकीन हो गया कि सक्खर के लोग कल भी मुत्तहिदा के थे और आज भी मुत्तहिदा के हैं। सक्खर के लोगों को ना कल कोई तकसीम कर पाया था और ना आज कोई तकसीम कर पाया है और ना कल आने वाले कल में भी कोई इनको तकसीम नहीं कर पाएगा। गो के ये चोर पार्टी, ये चोरों का जो एक कुनवा है जिन्होंने पूरे सूबे सिंध को लूट के खा लिया है, इन चोरों ने हलका बंदी के जरिए ये कोशिश की कि सक्खर की ये सीट कमजोर हो जाए और यहां के वोटर्स को रो
रोहड़ी के साथ मिलाकर कम कर दिया जाए ताकि ये सीट एमक्यूएम ना निकाल सके। बहुत होशियारी दिखा रहे थे ये, बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना ये। हमने कहा अच्छा तुम बहुत ज्यादा चालाक बन रहे हो, तो फिर हम भी तुम्हें बताते हैं कि हम भी तुम्हारे बाप हैं बाप। तुमने हमें कमजोर करने की कोशिश की एक हलके में, हमने तीन हलके मिलाकर तुम्हारे सामने खड़े हो गए और ये दोस्त हमारे मुबीन भाई और मीर मेहर भाई, मैं दरख्वास्त करूंगा यहाँ आए और दिखा दे कि हम एक हैं और अगर तुम में ताकत है तो हमें हरा के दिखा दो। ये है इत्तेहाद इन चोरों के खिलाफ, इन मुनाफिकों के खिलाफ, और इन चोरों से छुटकारा हासिल करने का यही तरीका था कि हम सब मिलकर इनको इनकी औकात याद दिला दें। अब थोड़ी सी बात मैं एमपीएम के हवाले से करता चलूं। एमपीएम को लूट का माल समझ लिया था, मुखालफीन ने ये समझ लिया था कि एमपीएम तकसीम हो गई है, मुंतशिर हो गई है, डर गई है, हो गई है और अंदरूने सिंध के हमारे उर्दू बोलने वाले भाई अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे थे। मुश्किलात थी, परेशानियां थी, ज्यादतियां नाइंसाफियां थी, हम सब परेशान थे लेकिन इस दिए को जलाकर बैठे थे। और ये दिया कोई आम दिया नहीं है, ये दिया तेल से नहीं जलाया एमक्यूएम ने, इस दिए में शहीदों का लहू जलता है, इस दिए को कोई नहीं बुझा सकता। ये चोर पार्टी 10 साल से सूबे पर काबिज है। ये कहते हैं कि शहरी इलाकों में खास तौर से कराची और हैदराबाद में मेयर एमपीएम के हैं, इन्होंने क्या खिदमत की। ये कहते हैं कि इन्होंने शहर में क्या काम किया। और इस प्रोपेगेंडे को आप लोग भी सुनते हैं और आपके पास भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि हम जवाब क्या दें। मैं इनके चेयरमैनों और मेयरों से पूछता हूं, इन्होंने सिंध के देहातों में क्या खिदमत की है, इन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। कराची के लोगों ने अपने मेयर को मुंतखब किया, सिंध की हुकूमत आपके पास और आप एक पैसा देने को तैयार नहीं हो और समझते हो कि कराची और हैदराबाद सक्कर नवाब शाह की तकदीर बदल जाए। नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती जब तक आप इख्तियारात बल्दियाती इदारों को नहीं दोगे, मसाइल हल नहीं होंगे। ये कचरा, ये पानी, ये गटर, ये हेल्थ, ये एजुकेशन कुछ हल नहीं होगा। इसलिए कि जब तक इख्तियार तुम वहां के मकामी लोगों के हाथों में नहीं दो,
इसकी मिसाल मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में दे चुका हूं कि अगर आपको एक अदद गाड़ी दे दी जाए और चाबी मैं अपने पास रख लूं, आपसे कहूं कि इस गाड़ी को चलाओ, चला लोगे आप? चला सकते हो आप? या मैं गाड़ी दे दूं और आपको डीजल ला दूं तो गाड़ी चलेगी? कराची के मेयर के पास वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का महकमा नहीं है, इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, इन्होंने मास्टर प्लान अपने कब्जे में रखा हुआ है, केडीए अपने कब्जे में रखा हुआ है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने कब्जे में रखी हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा उठाने का इदारा है वो भी सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। जब मेयर के पास कचरा उठाने का इख्तियार ना हो, पानी और गटर की सफाई और वहां की लाइनों का इख्तियार मेयर के पास ना हो, जब उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा ना हो, जब उसके पास मास्टर प्लान ना हो, तो वो कैसे खिदमत करेगा? नहीं हो सकती। और ये प्यार ये कभी देंगे ही नहीं, इसलिए कि इनकी जो वडेरा शाही है वो कैसे चलेगी? जो ये वडेरा शाही निजाम, इसके तहत पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ये कैसे चलेगी? और पैसा जो लूटते हैं ये कैसे लूटेंगे? ये नहीं लूटेंगे, नहीं देंगे ये इख्तियार। मेयर कराची ने मेयर की सीट पर बैठते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन लगाई कि आर्टिकल 140A के तहत मेयर के इख्तियार दिए जाएं। हमें समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पेट्रोल प्याज की कीमत बढ़ने पे तो सुमोटो एक्शन ले लेते हैं, लेकिन मेयर उनकी अदालत में खड़ा हुआ है और उनसे कह रहा है कि आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ आर्टिकल 140A की तशरी कर दीजिए, बता दीजिए कि ये इख्तियार किसका है। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, शहर तरक्की कैसे कर रहे हैं? जब तक उनको फंड्स जारी ना किए जाए, जब तक उनको इख्तियारात ना दिए जाए। ये सूबह सिंध का सबसे बड़ा शहर है ना कराची, इस कराची के बहुत सारे नौजवान इंटरनेट को भी जानते हैं। गूगल, अपने टेलीफोन पे गूगल को खोलिए और उसमें डालिए कि कराची का सालाना बजट सिंध गवर्नमेंट कितना देती है, अपने अपने टेलीफोन पर घर जाकर देख लीजिएगा, मेरी बात पर यकीन ना करें, गूगल खोलिए और उसमें देखिए कि कराची को सालाना बजट 30 अरब रुपए दिए जाते हैं, और ये 30 अरब रुपए 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को दिए जाते हैं, और इस 30 अरब से वो ये समझते हैं कि शहर के मसाइल हल हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं, ये पड़ोस के मुल्क में बॉम्बे शहर है। बॉम्बे कराची से आबादी के लिहाज से छोटा है। गूगल पे जाकर बॉम्बे के बजट को देखिए कि शहर तरक्की कैसे करता है। बॉम्बे का बजट पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो कराची का बजट 30 अरब रुपए और बॉम्बे का बजट 655 अरब रुपए है, और ये डाकू 1500 अरब रुपए इस सूबे से लूट कर खा गए हैं और कुछ खर्च करने को तैयार नहीं है, तो शहर कैसे तरक्की करेंगे? ये नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा मकान, इनका मकसद यही है कि रोटी देना नहीं है, मकान देना नहीं है,
कपड़े देने नहीं है, गरीब को गरीब तर करना है, हरी को गुलाम बनाना है, इनको हाकिम बनना है, ये कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। सिंध की हुकूमत इनके हाथ में थी, इनके हाथ में थी, कराची में तो एमकेएम बैठी थी, हैदराबाद में भी एमकेएम बैठी थी, आपको लाड़काना में सक्खर में किसने रोका था काम करने से? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इनके लिए कहते हैं कि डाइन भी साथ घर छोड़कर खाती है। अरे ये कैसे ड्रैकुला है कि इन्होंने लाड़काना को, घोटी को, दादू को, सक्खर को, शिकारपुर को खंडर ही नहीं मोहनजोदड़ो से भी बदतर कर दिया है। ये रोटी कपड़ा और मकान देंगे? नहीं देंगे। इनका मंशूर है करप्शन, लूटमार, चोर बाजारी, डराओ, दबाओ, गुलाम बनाओ, इनका मंशूर है ये। और इनसे छुटकारा हासिल करने का अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनसे छुटकारा हासिल करा जाए। और इसके लिए अहलियान सक्खर और अतराफ रोड़ी सब जगह से, गांव देहात तमाम सिंधी भाई, पंजाबी भाई, बलोची भाई, पख्तून भाई, सब मिलकर इन बेगैरतों से छुटकारा हासिल करेंगे। इन्होंने खरबों रुपए कमाकर मुल्क से बाहर भेज दिया है, अब इनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और इनसे हिसाब लेने का तरीका यह है कि 25 तारीख को अपने घर से सुबह निकलना है, कोई काहली नहीं करनी है, सुस्ती नहीं करनी है, हर साथी को, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा, अपना हक अदा करना होगा, निकलना होगा, और निकलकर पतंग पर मोहर लगानी होगी, नेशनल असेंबली में बल्ले पर मोहर लगानी होगी, और PS-25 का पत्री पर मोहर लगानी होगी, तो ही उन्हें छुटकारा मिलेगा। आपको बताऊं, कराची की आबादी को आधा दिखाया गया है, 3 करोड़ की आबादी के शहर को 1.5 करोड़ दिखाया गया है। क्यों? ये बात कभी समझ में आई किसी के? भुट्टो साहब के दौर में भी आबादी कम करके दिखाई गई है, ये नहीं समझ में आएगी, इसको समझने की जरूरत है। कराची की आबादी को आधा करके दिखाया गया, इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग करी गई, धांधली की गई है, सारे इदारे, नादरा, वर्ल्ड बैंक सब कहते हैं कि कराची में 3 करोड़ लोग आबाद हैं। हम नहीं कहते कि सिर्फ महाजन हैं, वहां पर पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, सराइकी भी हैं, गिलगिती भी हैं, सब मिलकर रहते हैं, उन सब की आबादी को कम करके दिखाया गया। उसके बाद हल्का बंदियों के अंदर धांधली की गई कि किसी तरह से भी एमकेएम सीटें ना निकाल सके। मजाक हुआ है कराची में एक सीट का आपको सिर्फ वाकया किस्सा बताता हूं। कराची की एक सूबाई असेंबली की नशिस्त है PS-99। आप हंसेंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा कानून है, कौन सा उसूल है कि PS-99 पर जो यूसी है, जो बल्दियात की यूसी है, यूनियन कमेटी, उसमें 4 वार्ड हैं, और जो पीएस है उसमें 3 वार्ड हैं।
ये तमाशा हुआ है, यानी यूसी बड़ी और पीएस छोटा। 53,000 वोटों के ऊपर उस हलके को बनाया गया है। 3 से 3.5 लाख की आबादी और उसमें सिर्फ 53,000 वोट, इसका मतलब है कि उस हलके में 18 साल की उम्र के सिर्फ 53,000 लोग हैं, बाकी सब 18 साल से कम हैं। यानी 3 लाख लोग 18 साल के कम हैं, सिर्फ 53,000 उम्र 18 साल के। इस तरह की धांधली क्यों है? ये क्यों करते हैं? अगर कराची की आबादी को सही गिन लिया जाए, तो फिर सूबाई असेंबली की जो कराची की 44 सीटें हैं वो बढ़कर 88 हो जाएंगी, और नेशनल असेंबली की जो 21 सीटें हैं वो बढ़कर 42 हो जाएंगी, और जब 88 सीटें होंगी तो फिर सिंध के शहरी इलाकों से वजीर आला आएगा। इस खौफ से कराची की आबादी को कम करके दिखाया जाता है, ये जुल्म करते रहे, नाइंसाफियां करते रहे, जबर करते रहे, जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे, लेकिन इनके भी सामने खड़ी रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, इनके जुल्म का सामना करेगी। तुम्हारे जुल्म के आगे ना कल झुकी थी ना आज झुकी है। अब से कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले एक नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट शाया की, जिसमें एमक्यूएम के भी चंद नाम थे कि जिनको टारगेट करके कत्ल कर दिया जाएगा। ये लिस्ट जारी हुई, थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, उसमें एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार भाई का नाम था, एक फैसल समझवारी भाई का नाम था और एक मुझ नाचीज का नाम था। मैंने वो खत पढ़ा, मैं एक लम्हे को सोचा कि ये मुझ पर हमला हो सकता है, तो फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि हम तो एमक्यूएम के घराने में हैं और एमक्यूएम का कारकुन अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है, इसको ना डर लगता है ना खौफ आता है, तो फिर मुझे किस बात का खौफ? इस खौफ से नहीं हम खड़े हैं, हमें ना कोई डरा सकता है। तुम जान लेना चाहते हो, ले लो तुम जान, लेकिन इस जान के जाने से एमक्यूएम का काफिला रुकेगा नहीं, एमक्यूएम का काफिला आगे बढ़ता रहेगा। सिर्फ एक ख्वाहिश जरूर दिल में पैदा हुई कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इसी झंडे में लपेट कर कब्र में उतार देना, लेकिन इस झंडे को स्वर्ग लघु ना होने देना। अब एक पार्टी और आपने सुनी होगी, उसको पार्टी कहना भी पार्टियों की तौहीन है। कौन सी? अरे नाम बोलो, पैराशूट पार्टी। सुना है ना? अब एक नारा लगा दो, पहले एक नारा लग जाना चाहिए। मैं लगाता हूँ और पीछे तक जवाब आना चाहिए। रगड़े पे रगड़ा, पीपी को रगड़ा, पीपी को रगड़ा, जरदारी को रगड़ा, अब किसको? कमालू को रगड़ा। ये इन्होंने समझा था कि ये किसी की बैसाखियों पर चढ़कर आएंगे और कौम को फतह कर लेंगे। मुखबरियां कर करके साथियों को गिरफ्तार करवाया, ताकत और जबर से उनकी वफादारियों को तब्दील करवाया, घरों पे छापे पड़वाए। वक्ती तौर पे जरूर कारकुनान परेशान हुए और हम इनसे कहते थे कि तुम्हारी इन साजिशों से कुछ नहीं होने वाला, जब वक्त आएगा तो ये सारे कारकुनान जो जबर और दबाव के तहत तुम्हारी तरफ चले गए हैं, ये सब वापस अपने घर आएंगे और अपनों में आ जाएंगे।
और वही हो रहा है, वही हो रहा है पिछले एक महीने से कि कराची और यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं था, कराची और हैदराबाद में बहुत मसाइल थे कि कराची और हैदराबाद में सैकड़ों की तादाद में जो साथी गिरफ्तारियों के खौफ से जबर और दबाव के जरिए वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर हो गए थे, वो अब सब सैकड़ों की तादाद में वापस अपने घर अपनी मुत्तहदा में वापस आ रहे हैं और इनके इनके होश ठिकाने नहीं है, परेशान हो गए हैं, बौखला गए हैं, घबराहट का शिकार हो गए हैं। और याद है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, याद है ना आप लोगों को, संभाल ले क्या कहा था कि MQM को दफन कर देंगे, यही कहा था ना, मर गए MQM को दफन करने वाले जिस जिसने तारीख में MQM के खिलाफ सोचा है, MQM को दफन करने की बात की है, तारीख के औरात में वो खुद दफन हो गया है और कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं है और यही हशर होने वाला है इनका 25 तारीख को कराची हैदराबाद मीरपुर खास नवाबशाह सक्कर से इनका सफाया हो जाएगा और 26 तारीख की इनको फ्लाइट भी नहीं मिलेगी यहां से भागने के लिए। यहां मुझे एक साथी ने पर्ची दी है कि सक्कर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं और उनको प्रेशर डालकर उनसे कहा जा रहा है कि पीपी के लिए काम करो वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं है। मैं उनसे कहता हूं जो लोग ये धमकियां दे रहे हैं वो ये धमकियां देना बंद कर दे, 25 के बाद तुम इनको बोल रहे हो कि तुम्हारी खैर नहीं, 25 के बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें जाए पना नहीं मिलेगी। अब अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं एक बात कहकर इजाजत चाहूंगा कि MQM मजलूम कौमियतों की नुमाइंदा जमात है और हम सब मिलकर इस सूबे को एक तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। हमारे दिल में कोई नफरत तासुब नहीं है, हम जितना हक मुहाजिर का समझते हैं उतना ही हम सिंधी बलोची पठान सराई की सबका समझते हैं, हम सबको मिलकर काम करना होगा और जो लोग MQM के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं, जिन लोगों ने MQM बनने के बाद से साजिशें शुरू की थी वो साजिशें आज तक खत्म नहीं हुई हैं और हम इस इलेक्शन में इस नारे के साथ उतरे हैं कि पतंग हमारा निशान MQM हमारी पहचान, दिया जलाए रखना है, कौन सा दिया, जिसके अंदर हमारे शहीदों का लहू शामिल है। तुमने MQM बनने के बाद से ही तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, ताकत गोली गिरफ्तारी छापे दर बदर सब कुछ कर लिया पर ये दिया बुझा नहीं, इसलिए कि ये तहरीक किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तहरीक ना मेरी है ना किसी और जिम्मेदार की है, ये तहरीक कारकुनान की है, ये तहरीक माओ की है, ये तहरीक बुजुर्गों की है, नौजवानों की है,
शहीदों की है। इस तहरीक के दिए को कोई दुनिया की ताकत बुझा नहीं पाएगी। तुमने 87 में कराची में सानाए अलीगढ़ करके देख लिया, 300 से ज्यादा लोगों को तुमने गोलियों से छलनी कर दिया, बच्चों को जिंदा आग में डाल दिया, तुमने कत्लो गारत की, लेकिन एनपीएम अपनी जगह खड़ी रही, तुमने सानहे पक्का किला दिया, औरतों के जो औरतें जो माए पहने सरों पर कुरान लेकर बाहर आई थी, तुमने उनका भी लिहाज नहीं किया, यही पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, तुमने माओ के सीने पर भी गोलियां चलाई थी, हमने ये जुल्म भी बर्दाश्त किया और इस दिए को जलाकर रखा। तुमने बांदे के ऑपरेशन में छापे गिरफ्तारियां की, 28 से ज्यादा साथियों को लापता कर दिया, हजारों नौजवानों को कत्ल किया, मावराए अदालत कत्ल किया, लेकिन ये एमपीएम के कारकुनान हमदर्द और अवाम थी जो एमपीएम के साथ जुड़कर खड़ी रही, तुम्हारे जुल्म कम हुए तो बढ़ते गए, एमपीएम अपनी जगह पर डटी रही, तुम झुका नहीं सके। उसके बाद हजारों लोगों को कत्ल किया, सक्खर में साथियों को शहीद किया, भूले नहीं है हम, हिसाब लेंगे तुमसे हिसाब। उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया, याद होगा साथियों, कि जब नौजवान साथी बुजुर्ग छापों और गिरफ्तारियों के वजह से अपने घरों पर नहीं रह रहे थे और नौजवानों को शहीद करके सड़कों पर फेंका जा रहा था, उस वक्त ये माएं थी जिन्होंने उन जनाजों को कांधा दिया था, उनकी नमाज पढ़ाई थी और कब्र में उतारा था, तुम इनके हौसलों को कम नहीं कर सकोगे। ये है वारिस। 2013 से तुमने एक और ऑपरेशन मुसल्लत किया हुआ है और इस ऑपरेशन के कप्तान वजीर आला सिंध थे। तुमने 72 साथियों को, ये 2013 के बाद से जो ऑपरेशन चल रहा है, 72 साथियों को मावराए अदालत सरकारी टॉर्चर सेलों में तशद्दुद कर करके मार दिया। तुमने 150 से ज्यादा ऐसे साथी हैं जो 3-3 4-4 साल से लापता हैं, उनकी माएं तड़पती हैं अपने बच्चों के इंतजार में, तुमको उसका भी लिहाज नहीं था, तुमसे हिसाब लेंगे। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त में जब उन बूढ़ी माओ की आह और फरियाद अगर फलक पर जाकर टकरा गई तो फिर तुम्हारा नाम और निशान भी नहीं होगा, तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला भी नहीं होगा। और ये सारे जुल्म ज्यादतियों के बावजूद देख लो सक्खर को, सक्खर के लोगों को, कई एनजीएम के साथ खड़े हैं, इन्होंने दिए को जला कर रखा है और ये दिया जलता रहेगा, इसको कोई बुझा नहीं सकेगा। और मुबीन भाई, अमीर मेहर भाई, हम सब मिलकर इन जालिमों इन जाफिरों इन मुनाफिकों से छुटकारा हासिल करेंगे 25 तारीख को, और एक नई सुबह तुलू होगी, जब जबर खत्म होगा, इंसाफ का बोल बाला होगा, मसाइल हल होंगे, गरीब को इज्जत मिलेगी, औरतों को इज्जत मिलेगी, अस्पताल बनेंगे, तालीमी इदारे बनेंगे, सड़कें बनेंगी, ये सब कुछ होगा, जो जभी होगा कि जब इन चोरों से छुटकारा हासिल करोगे। इसके लिए एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और मिलकर मुकाबला करो इन काफिरों जालिमों से, बद किरदारों से, इनसे छुटकारा हासिल करो। आखिर में इस नारे के साथ इजाजत चाहूंगा, पीछे तक से आवाज आना चाहिए ताकि दुश्मन की नींद हराम हो। नारे